At the heart say Roshni Tak, ignorance say knowledge Tak. Yahan aur khoobsurti, aur brightness. To shuruaat mein, hamare saaj events mein bhi hai. नमस्कार सगळ्यांना पत्रकारांना. आजचा हा कार्यक्रम साज इव्हेंट अँड एंटरटेनमेंट मिस अँड मिसेस किंवा टीव्ही सीझन 1 या प्रोग्राममध्ये मला नितीन दाढे सरांनी इथे बोलवलं. माझे मित्र आहेत ते, त्यांचे मी सर्वात पहिले आभार मानतो की त्यांनी मला इथे सो मच त्या कार्यक्रमासाठी बोलवलं आणि मला मान सन्मान दिला आणि ते अवॉर्ड दिला. परत एकदा मी त्यांचे आभार मानतो आणि साज एंटरटेनमेंट वॉर डेव्हिस त्यांच्या ज्या डिरेक्टर आहेत त्यांना सर्वांना मी शुभेच्छा देतो. रगडे मॅडम जेसे रगडे मॅडम यांना शुभेच्छा देतो पुढच्या कार्यक्रमासाठी. त्यांचे प्रोग्राम असेच चांगले आपले भविष्यात चालत राहो त्यांना शुभेच्छा देतो आणि इथे मी तुम्ही रजा घेतो. थँक्यू, धन्यवाद. आणि तुम्ही सर्व महाराष्ट्र बाजारपेठ हे एक सुपर मार्केट दादरला आहे. 1 मे 2017 स्टार्ट झालं, आता 6 वर्ष संपूर्ण झाले. 6 वर्षामध्ये 25,000 कस्टमर महाराष्ट्र बाजारपेठेचे आहेत आणि आता ह्या 1 मेला 6 वर्ष पूर्ण होतील आणि हा प्रोग्राम आपला शिवाजी मंदिरमध्ये आहे. आणि मागच्या वर्षी जेव्हा आपला हा हे झाला होता तो वर्धापन दिवस, तेव्हा आपण 200 लोकांचा सन्मान केला होता. ह्यावर्षी 500 लोकांचा सन्मान करणार आहे, त्यामुळे तुम्ही पत्रकार पण असणार आहात. तर सर्वांनी 1 मे 2023 हा आपला 6वा वर्धापन दिवस आहे, या दिवशी नक्की शिवाजी मंदिरला यावं आणि महाराष्ट्र सुपर मार्केट याला एकदा भेट द्यावी, कारण तिथे तुम्हाला अनेक ऑफर अनेक बक्षीस अपटू 50% डिस्काउंट मिळणार आहे. तर परत एकदा तुम्ही एकदा नक्की दादर महाराष्ट्र मार्केटला भेट द्या. डॉक्टर डिसरा रोडवरती आहे एस प्लाझा बिल्डिंगमध्ये, तर प्रत्येकाने तिथे येऊन मला तुमची सेवा करण्याची संधी द्याल या अपेक्षेचं डॉक्टर कौतिक डांगे. थँक्यू. महाराष्ट्र बाजारपेठ के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट मिस्टर कौतिक डांगे जो हमारे 5-10 साल से अच्छे फ्रेंड्स हैं, अभी तक जितने भी बहुत से अवार्ड फंक्शन होते उसमें वो कॉन्शियस रहते, कुछ ना कुछ सभी इवेंट में कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह देते रहते. तो मैंने इस जो साज इंटरप्राइजेज प्रेजेंट जो अवार्ड्स हुआ है उनके लिए मैंने उनको इन्वाइट किया था, वो आए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच मिस्टर कौतिक जी, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू अखिलेश जी, थैंक यू. Best luck to all the participants who are there. Have a great future and of course congratulations to whosoever who wins. Thank you. Thank you. Thank you. Wow. What a magnificent celebration here at Saj season 1 of Miss and Mrs. Maharashtra. Me Maharashtrachi mulgi aahe. Mala far far anand vaatte at this wondrous pageant jahan in khoobsurat state of Maharashtra ki ladkiyon ko ye platform mil raha hai to represent their own state and win hearts across the world. Hum sab is global platform pe hain. Thank you very much to our friends from the media ki aap possible karte hain har us beautiful shakhs ko, har us beautiful contestant ko jisme talent hai, hunar hai, jisme vishwas hai kuch kar dikhane ka, to showcase their talent and win hearts. So main bahut bahut shukrgozar hu Jayashri, Siddhesh and Suraj ki ki unhone mujhe ye mauka diya. Being the official anchor here at the
prestigious Miss and Mrs. Maharashtra 2K23 मुझे बहुत मजा आ रहा है स्पेशली ताज प्रेसिडेंट में आज जो इस कदर ये फैशन शो हो रहा है ये ब्यूटीफुल पैजेंट हो रहा है एट द सेम टाइम हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मंगल प्रभात लोधा जी और मंजू जी यहाँ पर हैं तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल 10 चांद लग गए हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स भी हमारे साथ हैं एंड ऑफ कोर्स अंकिता लोखंडे इज हियर सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल थैंक यू सो मच ऑस्कर के लिए जा रहे हैं जी मैं अब दुबई जा रही हूँ फॉर द ऑस्कर्स गाला जो अरमानी होटल में है दुबई में इस शो के बाद तो मैं उसके लिए भी बेहद एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ से सीधा दौड़कर जा रही हूँ थैंक यू सो मच दैट वाज वेरी स्पेशल एंड मैं ऑफ कोर्स एक्चुअली एवरी हर तीन दिन में दुबई जा रही हूँ फॉर माय शो बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑस्कर्स गाला जो मैं कल होस्ट कर रही हूँ एट द अरमानी होटल दुबई थैंक यू फैशन शो हो रहा है जो अवार्ड हो रहे हैं एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम सबके अंदर कोई प्रतिभा छिपी रहती है लेकिन उसे कोई मंच नहीं मिलता है और जयश्री जी ने एक मंच ही तैयार किया जहाँ पर कि हमारी प्रतिभाएं निकल कर बाहर आए अक्सर हम लोग सोचते हैं कि शादी के बाद हम कुछ नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है शादी के बाद हम अपनी गृहस्थी संभालते संभालते हम अपने सपनों को भी एक नई उड़ान दे सकते हैं क्योंकि जयश्री जी ने यहाँ पर ये कार्य किया है कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं सो आई एम मिसेज इंडिया यूनिवर्स ग्लोब और मिसेज महाराष्ट्र मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है जब हम मिसेज इंडिया बनते हैं तो पहले मिसेज महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं मिसेज यूनिवर्स जाने के लिए भी हम पहले मिसेज तभी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आई थिंक जयश्री जी ने बड़ा ही अच्छा काम किया जो इन लेडीज़ों को स्पेशली वुमेन हु आर मिसेस इनको इतनी वैल्यू नहीं मिलती है जो मैं बन चुकी हूँ मिसेस इंडिया यूनिवर्स सो आई नो सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मिसेस टू गेट आउट ऑन दैट प्लेटफॉर्म एंड शाउट आउट फॉर हर सेल्फ दैट आई एम हियर सो थैंक यू सो मच जयश्री जी दैट यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल इवेंट टू सपोर्ट द मिसेस कम्युनिटी थैंक यू सो मच कॉन्ग्रेचुलेट द साज एंटरटेनमेंट टीम जयश्री रगाड़े और उसकी पूरी टीम को वाओ व्हाट अ वंडरफुल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र सीजन 1 आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट दिस गर्ल जो उसने सपना देखा आज उसको पूरा करके दिखाया तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द कंटेस्टेंट ऑल्सो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है उनको बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म मिला है स्पेशली फॉर फ्रेशर्स उनके लिए ये कॉन्फिडेंटली एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है वो यहाँ से आगे ज़रूर जाएंगे थैंक यू सो मच जयश्री फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस इवेंट थैंक यू सो मच फंक्शन है जो फर्स्ट टाइम हो रहा है सो आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस शो इट्स अ कॉज फॉर कैंसर पेशेंट्स ये कितनी अच्छी बात हो जाती है अच्छे कॉज में आई थिंक किसी भी कॉज में यू नो आपका होना इन्वॉल्वमेंट होना और हम लोग तो सिर्फ एज अ गेस्ट आते हैं आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जो इस चीज़ को जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं जो इस चीज़ को बनाते हैं वो बहुत बड़े होते हैं क्योंकि उनकी सोच वहाँ तक होती है वी तो जस्ट कम एंड यू नो हम लोग अपना जो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं लेकिन जो ये क्रिएट करते हैं लोगों को बुलाते हैं इतनी सारी चीज़ें होती हैं आज लोगों की हेल्प हो जाती है इतने लोगों की हेल्प हो जाती है सो आई थिंक हमारे इंडिया में ऐसे और लोगों की ज़रूरत है जो ये सारी चीज़ें आज के बुक के बारे में आप क्या कहना चाहोगे काफ़ी अमेजिंग लुक लग रहा है आपका बीइंग अ महाराष्ट्र गर्ल महाराष्ट्र का वोट में आके कितनी गर्व की बात हो जाती है आपके लिए मराठी होना ही एक गर्व की बात है और महाराष्ट्र हो या कहीं भी हो यू नो मैं इंदौर से हूँ लेकिन वहाँ पर भी मराठी हो गया तो मैं वहाँ की महाराष्ट्र हूँ लेकिन आई एम वेरी
proud to be a Marathi girl. And look, as usual, साड़ी पहनी है और साड़ी से मुझे बहुत प्यार है, इसीलिए आज की साड़ी पहनी है. आई एम वेरी ग्लैड दैट पीपल आर लाइकिंग द फिल्म. और हमेशा अच्छा लगता है लोग आपके यू नो आपकी चीज़ें देख के सराहें और उसे अप्रिशिएट करें. इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर यू हैव प्लेड. क्या कहना चाहोगे लोगों की तरफ से, व्हाट सोशल मीडिया से किस तरह का रिस्पॉन्स आया? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है. मुझे ऐसा लगता है, मैं सच बोलूँ, मैं सिर्फ अपने लिए काम करती हूँ. मुझे जब अच्छा लगता है, मैं खुद अपने आप को देख के बहुत खुश होती हूँ. एंड उसके ऊपर लोगों का प्यार मिल जाता है तो आपको और अच्छा लगता है, और लगता है कि यू नो फॉर योर फैंस यू शुड वर्क. अभी विक्की ने देख ही नहीं है क्योंकि विक्की अभी तक आए नहीं है मुंबई, लेकिन वो साथ में देखने का उन्होंने प्रॉमिस किया है. सो जैसे ही वो आएंगे तो मैंने उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है. मेरी नेक्स्ट फिल्म आ रही है वीर सावरकर, जो कि रणदीप हुड्डा के साथ है. सो दैट विल बी ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले, एंड आई रियली होप लोगों को मेरा काम अच्छा. काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, स्पेशली रणदीप फर्स्ट लुक के बाद. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट योर रोल इन दैट फिल्म? वो आपको देख के पता चलेगा. थैंक यू, थैंक यू सो मच. कैंसर पेशेंट्स को भी ऐसे था कि एक वॉक मिले उनको. वो मतलब एक मन में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जो कर नहीं पाते हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था. और कैंसर के लिए जो कॉज रखा गया है तो उनको लाके एक वॉक दिया, उनका क्राउनिंग हुआ. और मैंने पहले ही बोला है कि जो महाराष्ट्र की मुर्गी मुझे चाहिए थी, अंकिता लोखंडे, इसे मैंने रखा. थैंक यू सो मच मैम. क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली जब साज इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट का जब मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र 2023 ये जब हम लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया, वो टाइम पे सेलिब्रिटी गेस्ट किसको लाना, ये जो अब सवाल आया था, तो हम तीनों का म्यूचुअल एक ही नाम आया था वो टाइम पे कि अंकिता लोखंडे. काफ़ी हमें लगा कि वो महाराष्ट्रियन है, मराठी है, और हम चाहेंगे कि वो और आगे बढ़े. हमारी दुआ, हमारा प्यार हमारा हमेशा आपके साथ है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सूरज, ये भी जानना चाहेंगे कि कंटेस्टेंट किस किस कैटेगरी में क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे मिस और मिसेस कैटेगरी से दो कैटेगरीज के हैं. नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र से है, क्योंकि मिस और मिसेस महाराष्ट्र है तो. लेकिन महाराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र से, विदर्भ से, मराठवाड़ा से, पश्चिम महाराष्ट्र से, मुंबई से, तो पूरे महाराष्ट्र से कंटेस्टेंट यहाँ से आए मिस और मिसेस कैटेगरी दोनों. मैं भी कब से वेट कर रही थी. थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आ गए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कुछ कहना चाहेंगे अंकिता जी? बोल दिया मैंने. थैंक यू. स्टेज हम पता करते हैं
रेडिएशन होती है तभी भी हम डेंटल डेंटिस्ट जो है उसका ख्याल रखना पड़ता है. सो दीज आर ऑल आई एम डीलिंग विद देम. हमेशा जो रेडिएशन पेशेंट होती है हमारे पास आते हैं एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड एज ए